नमस्कार भागवान भाइयों, भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे। अच्छा जी, अब बैंडिंग के क्वेश्चन आते जी हमारे के कई लोग चाहते यहाँ। मैं मानता हूँ जी हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल आप अगर इतना रखेंगे ना, क्योंकि अब ये फसल के बाद है ना इतना ये खुद आएगा। अगर हम इसको पहले ही यहाँ ले लेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बाद में। तो एटलीस्ट आप इसका डाया यहाँ रखो ताकि ये फसल के बाद इसमें वाटर शूट भी कम आता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो यहाँ से वाटर स्प्राउटिंग ज्यादा होती है। तो अगर हम इसी प्लांट की बात करें फ्यूचर देख के, तो आपको इसमें क्या कमी लगी? और मेरे हिसाब से सिंपल भी है ये, कोई कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं। अगर मैं इस पौधे की आज प्रूनिंग करूंगा, क्योंकि ये दो पौधे प्रून करेंगे जी हम, तो आपने एक चीज के पे फोकस रखना कि भाई कितने घाव पड़े और मैंने कौन सी टहनी क्यों काट, वहां आप पूछ सकते हैं मेरे को बीच में। प्रूनिंग शुरू नीचे से करेंगे जी। अब सबसे और एक चीज होती जी इसका बेनिफिट ना जी, जो आप टूथपिक खाते हैं ना, चाहे रॉयल में चाहे जिस मर्जी में, जिंदगी में कभी आपकी ब्रांच यहां से नहीं टूटी। मतलब जो यहां से ब्रेक होती है ना जी आपकी बर्फ या फसल से, यहां से कभी ब्रेक नहीं होगी। देखो ना जी, जो ये टहनी है, अब बोलो, अब तो मिट्टी में लगी, एक्चुअल में इसने अपना वो ले लिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ आपके वो क्रॉच एंगल नहीं है जी, हमने ऐसा नहीं है रखा, हाँ हमने एक ही रखा जी। हमने यहाँ टूथपिक फंसाई थी जी पहले, यहाँ इस पोर्शन पे, तो जब यहाँ टूथपिक फंसती है तो ये नहीं टूटता जी। एक बेनिफिट तो आपका ये मिल गया टूथपिक फंसा के, चाहे आप रॉयल में भी करें चाहे आप ट्रेडिशनली भी करें,